नमस्कार, मैं हूं शिरीष उपाध्याय और आप देख रहे हैं खबरदार। खबर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मोदी ने कांग्रेस पर बोला हमला। कहा, जब भी कुर्सी जाने का डर होता है वो देश में डर का माहौल बना देती है। देश में 43 साल पहले लगाए गए आपातकाल पर मुंबई में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। मोदी ने कहा, कांग्रेस की आलोचना मात्र करने के लिए हम काला दिन नहीं मनाते, हम देश और भावी पीढ़ी को जागरूक करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जब भी कांग्रेस को अपने अस्तित्व खतरे में दिखने लगता है तो वो एक भय का माहौल बना देती है। एक भय का माहौल उस समय था और सब कुछ संविधान के तहत किया गया था। ये देखिए, उनकी चतुराई देखिए, संविधान का कैसे दुरुपयोग किया जा सकता है, संविधान का एक परिवार के लिए किस प्रकार से हथकंडे के रूप में, साधन के रूप में उपयोग कर दिया जाता है, शायद ही ऐसा उदाहरण कहीं मिल सकता है। इस देश में जब जब कांग्रेस पार्टी को और खास करके इस परिवार को अपनी कुर्सी जाने का संकट महसूस हुआ है, उन्होंने चिल्लाना शुरू किया है, बोलना शुरू किया है कि देश संकट से गुजर रहा है। आपातकाल 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक 21 महीने के लिए लगाया गया था। उस वक्त इंदिरा गांधी की सरकार थी। इस दौरान नागरिक अधिकारों को खत्म कर दिया गया था। मुंबई से विनय दुबे, खबरदार। देखते रहिए खबरदार, रहिए खबरदार।